नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हिमाचल में कोरोना डेथ रेट देश में सबसे अधिक और किन किन बीमारियों से ग्रसित लोगों को कोरोना मौत के मुंह में ज़्यादा धकेल रहा है, इसके अलावा इसमें कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं, तो ये जानकारी आपके लिए जानना जरूरी है और इससे आपको डरने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए ताकि आप जो भी सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई उनका स्ट्रिक्टली पालन करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं जहाँ पर कहीं पर धाम का आयोजन किया जा रहा तो कहीं पर शादियों में जो संख्या निर्धारित कर रखी है उससे अधिक लोग शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जिनके लिए कोरोना सिर्फ सर्दी जुकाम से ज़्यादा कुछ नहीं है, तो उनको इसकी गंभीरता का पता चले और वो भी गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली पालन करें। तो इसके लिए जो एक छोटी सी अपडेट लेकिन महत्वपूर्ण जो जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो हिमाचल में कोरोना डेथ रेट देश में सबसे अधिक, रिकवरी रेट भी कम। देखिए, अगर आप कोरोना से जो भी गाइडलाइंस, इससे जुड़ी हुई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, अगर उनका पालन कर रहे हैं तो आपको किसी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है। हिमाचल में कोरोना का कहर जारी है, हर रोज काफ़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं और लोगों की जान भी जा रही है। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों व लगातार बढ़ती मौतों के आंकड़ों ने देश को भी पीछे छोड़ दिया। भारत में मामलों की प्रति लाख दर 1499.5 के मुकाबले हिमाचल में 1530.3 मामले आ रहे हैं। भारत की मृत्यु दर 1.1 है जबकि हिमाचल की मृत्यु दर 1.5 है। इसमें भी पहाड़ी प्रदेश बहुत आगे है, उल्टा हिमाचल का जो रिकवरी रेट है वो भी देश के मुकाबले बहुत कम है। भारत का रिकवरी रेट 81.9 है जबकि हिमाचल का जो रिकवरी रेट है वो है 78.1, जो देश ही नहीं दुनिया से भी कम है। पहाड़ी प्रदेश में अभी तक 1689 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है, इनमें महिलाओं के मुकाबले पुरुषों का आंकड़ा ज़्यादा है। हिमाचल में 64.8% की पुरुष मृत्यु दर है जबकि महिला मृत्यु दर 35.2% है। मृत्यु दर गंभीर बीमारियों से मरने वालों की ज़्यादा है, यानी कि 65.5% गंभीर बीमारियों वाले लोग कोरोना के ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। इसमें भी मधुमेह के रोगी यानी कि डायबिटीज़, देखिए ये जानकारी आपके लिए जानना जरूरी है ताकि जो इन बीमारियों से ग्रसित लोग हैं वो और सतर्क रहें। तो जो डायबिटीज़ के रोगी हैं उनको कोरोना मौत के मुंह में ज़्यादा धकेल रहा है। दूसरे नंबर की बात की जाए तो हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप वाले लोग कोरोना की चपेट में आने के बाद मृत्यु का ग्रास बन रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने भी माना कि हिमाचल प्रदेश में देश के मुकाबले कोरोना मामलों सहित मृत्यु दर ज़्यादा है, जो कि चिंता का विषय है। मृत्यु दर बढ़ने का मुख्य कारण कोरोना पॉजिटिव लोगों का समय पर अस्पतालों में ना आना है, क्योंकि नया वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है। जहां तक युवाओं को भी ये वायरस तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है, इसलिए पॉजिटिव होते ही तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। तो इस वीडियो में इतना ही। इस देखिए जानकारी को अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और इस तरह की महत्वपूर्ण अपडेट आगे भी हमारे चैनल पर आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।